number one. Okay. Stand by. Point ye nahi hai. Point ye nahi hai ki hazaron ka kuch khas se aa raha hai. Point ye hai. Bahu ka kisi ne kaha? Oye, le pakad ke rakho. Bahu jaan jo hai bina lagam ke ghode ho gaye hain. Aaiye. Baat to. अरे अभी तो खड़ा हुआ था, बिठा दिया। देखा, देखा भैया, ये ना मेरी मासूमियत का ना फायदा उठा रहा है। कहा तो मैंने मांगा था प्रिंस चार्मिंग और मुझे किसी मिनिस प्यार करने की। ओ शट अप बबल, तुम तो हमारे भाई टू पैसे जान लगा रहे हो जैसे कोई डाकू साधु को चोर बुला रहा। बता दो इन्हें भाई टू कि तुमने शराब नहीं पी है, बता दो। रजनी मम्मी जी, अब माँ ने शराब नहीं पी है। राइट, क्योंकि रजनी में झूठ बोलने का फीचर ही नहीं। करेक्ट मम्मी जी, अब माँ ने शराब खाई है। व्हाट? मैंने खिलाई है रम रसगुल्ला के फॉर्म में। अब रजनी पर क्यों पुत्र? हाँ चल चल रुक दो ले कट क्यों? रजनी में झूठ बोलने का फीचर ही नहीं। उन्होंने शराब खाई है। What? मैंने इन्हें रम रसगुल्ला खिला दिया। पर क्यों सर? चुप कर। पर क्यों? माँ जी, मुझे तो आपको बताना था कि शराब पीने के बाद एक इंसान कितना एम्बैरेसिंग हो सकता है। क्यों हुआ? क्या अब आपको समझ आया? अरे दारू कोई पिए ना पिए, हम रसगुल्ला खाएगा और हम बॉबस का किसी लेगा। इसके मुंह में नींबू ठूसना पड़ेगा। डबल दारू पीनी पड़ेगी और सिर्फ दारू पीनी नहीं तो उसे नहाना भी पड़ेगा मल मल के। देखा नहीं, तुम्हारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। फ्लॉप कैंडिडेट, फ्लॉप प्लान। अरे बाबा, रजनी ने फिर एक कांड कर दिया। अब जो हमारे साले साहब जो आए हुए हैं कलकत्ता से, उसको उन्होंने रसगुल्ले में मिला के रम पिला दिया। अब वो पागल हो गया, वो आदमी शराब पीता नहीं है। अब वो शराब पीता नहीं है और उसी वक्त शराब रसगुल्ले खा के उसको बहुत मज़ा आने लगता है और उसको चढ़ जाती है और फिर सामने देखता है कि जो हमारी बबल्स हैं वो उसको शादी करनी है। जैसे सबको पता है, हमारी ऑडियंस को पता है कि कब से वो बेचैन हो रही है। आज पूनम की रात है और वो आज चाहती है कि वो मेरा चांद जो मेरा प्रिंस है वो मेरे को मिल जाए और वो मुझे किसी कर दे। बस ये बात उस हमारे शराबी साले के दिमाग में अटक जाती है और वो जाके उधर उसके बबल्स को किस कर देता है और उस पर बबल्स चिल्लाती है, पूरा बवाल मचता है और फिर कैसे उस हमारे साले साहब की क्लास लगती है। वो इस तरह का एक क्या चाहते साले साहब को, मतलब कुछ आगे? साले साहब चाहते कि मैंने, बोलता है मैंने गलती से नहीं किया, मैंने जानबूझ के किया। अभी भी नशे में है वो, एक ही बात बोल रहा है, मेरे को बबल्स को किस करना है, मेरे को बबल्स को किस करना है। इसी में उसी रट में लगा हुआ है। तो अब लेके गए हैं इसको, यहाँ से भगा के लेके जाते हैं सब लोग और फिर उसको नींबू चटाया जाएगा, फिर देखा जाएगा जब उतरेगी तब आगे की बात आगे समझ में आएगी। मतलब मैंने तो 15 साल शराबियों के साथ ही गुजारे हैं, मैं नहीं पीता था लेकिन उन सबको घर छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी रहती थी हमेशा। वो हमेशा बोलते थे राजेंद्र चावला है तो हम घर पहुंच जाएंगे और मैं सब लोगों को घर पहुंचा के फिर घर जाता था। भाई सीक्वेंस अभी तो यही चलेगा, इसका हल निकलेगा, इसकी समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा कि कैसे क्या होने वाला है, ये सच में अब कैसे इसके पीछे पड़ता है, क्या होता है, ये सब बहुत धमाल आने वाली है। बहुत मज़ेदार सीक्वेंस है ये। हाँ अभी वही अभी कैसे करके, हम तो चाहते हैं कि बबल्स की शादी हो और हम तो ये भी तैयार थे कि
रिक्वायरमेंट ये थी कि एक लड़का होना चाहिए, अब वो लड़का तो है और अच्छा खासा लड़का है, अब सुरीली हो सकता है इसका विरोध करे, कैसे अपने भाई की शादी बबल्स के साथ करवाएगी, कैसे मानेगी, ये सब देखने वाले मुद्दे हैं। बहुत ड्रामा है, बहुत कमाल है आगे, आप लोग प्लीज़ देखते रहिए, देखना मत छोड़िएगा। बहू हमारी रजनीकांत सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे ओनली ऑन लाइफ ओके।